ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और जिसे मन्नत की लाइन भी बोलते हैं, मींस जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मुकुंद जोशी व्लॉग्स चैनल। तो गाइज, आज तारीख है 6 सितंबर और हम लोग जा रहे हैं मुंबई के सबसे बड़े गणपति लालबाग चौराहा के दर्शन करने। दोस्तों, तो मैं हूँ और कुछ भैया लोग हैं, सुमित भैया करके भी है और साथ में उनके फ्रेंड सर्कल वाले लोग भी है। और दोस्तों, इतना मजा आने वाला है पूछो ही मत। आज 6 सितंबर की रात में लाइन में हम लोग लगेंगे, तो कल 7 सितंबर की मॉर्निंग की लाइन में शायद हमें दर्शन मिल जाए। तो जो भी सीन रहेगा दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे भारत देश में अगर गणेशोत्सव का सबसे ज्यादा माहौल और उत्साह आपको देखना है तो आ जाइए महाराष्ट्र में। और उसमें भी अगर मुंबई के लालबाग के राजा की बात की जाए तो लोगों की आस्था और बाप्पा के लिए प्रेम की कोई सीमा नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लालबाग के राजा की कहानी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। लालबाग के राजा का दरबार तब से सज रहा है जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तब मुंबई के लालबाग में छत और रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों ने अपनी मुराद पूरी करने के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना शुरू किया। और देखते ही देखते इस पूजा ने परंपरा का रूप धारण कर लिया। जैसे ही मजदूरों की मुराद पूरी हुई, लालबाग के गणपति का डंका मन्नत पूरी करने वाले भगवान के तौर पर बजने लगा। मुंबई की धरती पर लालबाग के राजा के कदम सन 1934 को पड़े थे और मुंबई सहित पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाले लालबाग के राजा उन मछुआरों की देन है जिनकी रोजी रोटी मुश्किल भरे वक्त से जूझ रही थी। दरअसल मुंबई के दादर और परेल से सटा हुआ लालबाग का इलाका मिलों से पटा हुआ था। ज्यादातर यहाँ पर मिल मजदूर, सड़कों पर सामान बेचने वाले और छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे ही रहते थे। इनकी कमाई का केवल एक ही जरिया था, वो था पेरूचाल में रहने वाले ग्राहक। 1932 में यहाँ का पेरूचाल बंद होने के बाद मछुआरों और दुकानदारों की रोजी रोटी का जरिया ठप हो गया और तब वे खुले इलाकों में ही सामान बेचने को मजबूर हो गए। तब कुछ लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया और वे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गणपति की पूजा करने लगे। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और ऐसे में लालबाग के बाजार को बनाने के लिए चंदा भी इकट्ठा होने लगा। 2 साल बाद मछुआरों और दुकानदारों सहित तमाम लोगों की मन्नतें पूरी हो गई। तब उन्होंने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को भगवान गणपति की प्रतिमा की स्थापना की। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता लालबाग की प्रतिमा की दूर दूर तक चर्चाएं होने लग गई और मुंबई के कोने कोने से भगवान के दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लालबाग के गणपति को मराठी में एक नया नाम मिला, लालबागचा राजा, यानी लालबाग के राजा। और सचमुच लालबाग के गणपति की महिमा किसी राजा से कम नहीं है। फिर क्या था, गणपति की अपार श्रद्धा के साथ ही 1934 के बाद हर साल यहां गणपति की मूर्ति की स्थापना की जाने लगी और तब से लेके अब तक रखी गई यहां की मूर्तियों में एक समानता हमेशा देखने को मिलती है। इन्हें लालबाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जाता है। पिछले 8 दशकों से इलाके के कांबले परिवार द्वारा ही लालबाग के राजा की मूर्ति तैयार की जा रही है। लालबाग के राजा के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ता है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कई सुपरस्टार भी हर साल अपनी मन्नतें लेकर लालबाग के दरबार में हाजिरी देते हैं। दोस्तों, लालबाग के राजा की तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो अब आप मुंबई के दादर और परेल एरिया के नज़ारे देख लो। गाइस, फाइनली हम लोग दादर स्टेशन पे उतर चुके हैं। देख सकते हो सुमित भैया हमारे साथ है। और हम लोग यहाँ से कैसे जाने वाले हैं? अभी हम लोग करी रोड के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। अच्छा, फिर वहाँ करी रोड करके हम लोग लाइन में लगेंगे मन्नत लाइन। ओके, तो गाइस हम लोग यहाँ से करी रोड की ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वहाँ से मन्नत की लाइन में लगेंगे। एंड सुमित भैया की कुछ फ्रेंड्स भी है साथ में, देख सकते हो, जो कि जिम फ्रेंड्स है उनके। एंड 6-7 लोग वहाँ पे डायरेक्टली आने वाले हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा पहुँचने के बाद।
दादर स्टेशन का क्राउड देखो गाइस, मतलब इतने सारे लोग मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि दादर में फुल मार्केट भी है और गणपति की बहुत सारी शॉपिंग भी होती है। तो हम लोग ट्रेन पकड़ के पहुँच जाते हैं दादर टू करी रोड। अभी गाइस हम लोग है करी रोड पे और यहाँ से जस्ट सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है, उसके बाजू से ही जस्ट लाइन स्टार्ट होती है बापा के दर्शन की। तो अभी बस 5 से 10 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंड गाइस सोच सकते हो फर्स्ट डे दर्शन लालबाग का राजा, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मतलब पल के लिए। तो पहले चलते हैं और बताता हूँ मैं वहाँ पे आपको क्या नज़ारा है वहाँ का एंड ऑल। बिना गणपति के गाइस नॉर्मल डेज पे इन सब गलियों को कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मतलब यहाँ पे आते हैं पापा, और इतना सारा क्राउड यहाँ पे जमा होता है ऐसा लगता ही है। बट गणपति के टाइम पे गाइस ये जो एरिया पूरा लगता है अमेजिंग, मतलब वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे 3-4 साल पहले आया था, वो भी 4th या 5th डे पे, बट फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ फर्स्ट डे दर्शन करने के लिए। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, एंड गाइस सुमित भैया तो मतलब 15 साल से कंटिन्यूस आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बिना चप्पल के ही आते हैं वो। उनकी मतलब इतनी श्रद्धा और आस्था है लालबाग के राजा के लिए, और वो हर मंगलवार तो सिद्धि विनायक भी जाते ही है। तो वहाँ का उनका कुछ फ्रेंड सर्कल है, वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये गणपति जी जा रहे थे, और आगे ही गणेश गली है, मतलब वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे गणपति बैठते हैं। और हम लोग अभी वॉक करके जा रहे हैं जहाँ पे मतलब लालबाग का राजा की लाइन स्टार्ट होती है और एंट्रेंस है, तो वो गेट पे जा रहे हैं हम लोग यहाँ से अभी वॉकिंग करते हुए। सुमित भैया का एक फ्रेंड है जो कि गोवा टू मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, और 12:30 तक वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मतलब समझ सकते हो उनकी भी मतलब श्रद्धा कितनी है गणपति बापा के लिए, लालबाग के राजा के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है लालबाग के राजा के दर्शन की, और जिसे मन्नत की लाइन भी बोलते हैं, मीन्स जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पूरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है और हमारा ग्रुप भी आगे खड़ा है। और यहाँ पे गाइस वाटर बॉटल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी, पीने का पानी वगैरह सब फैसिलिटीज यहाँ पे होती है। इस रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग लग चुके हैं सब लाइन में, और देखते हैं हमारे दर्शन कितने बजे तक होते हैं दोस्तों। एंड वैसे तो लालबाग का राजा के दर्शन मतलब मॉर्निंग में 5 बजे के बाद ही होते हैं, ओपन होता है वहाँ का एंट्रेंस, बट जो भी है बताऊंगा आपको पूरी रात में हम लोग क्या क्या सीन करते हैं यहाँ पे। इस लाइन में दोस्तों दूर दूर से लोग आए थे, सूरत अहमदाबाद और गुजरात की कई जगह से लोग आए हुए थे दर्शन के लिए। ये गाइज हमारा ग्रुप है और भी लोग आने वाले हैं। ये देखो गाइज यहाँ पे वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख सकते हो ये लोग वाटर बॉटल दे रहे हैं। ये देखो गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, देख सकते हो। ये देखो गाइज ये वाले रोड पे आपको अलग अलग बाप्पा जाते हुए दिख जाएंगे, जिनका मतलब आगमन का आज फर्स्ट डे ही है, तो देख सकते हो। लोग ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दोस्तों फिर लाइन में लगना मतलब समझ सकते हो, तो इस वजह से सब थके हारे यहाँ पे बैठ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे तब लाइन के एंड में हम लोग थे सिर्फ, और हमारे पीछे अब लाइन इतनी लंबी हो चुकी है कि आप लोग देख ही सकते हो सब लोग कितने लंबे लंबे तक, मतलब बहुत दूर लाइन जा चुकी है अभी। एंड लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ते गाइस एंड फिर सब लोग वापस बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर वापस बैठ जाते हैं। तो ऐसा रेस्ट लेते लेते मतलब पूरी रात हमें यहाँ पे लाइन का मतलब गुजारना है, आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि लालबाग का राजा के दर्शन करने के लिए 2 लाइन लगती है, उसमें से एक होती है मुख दर्शन के लिए, जिसमें हम दूर से सिर्फ बाप्पा को देख के दर्शन कर सकते हैं, और दूसरी लाइन जो होती है वो होती है चरण दर्शन के लिए, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बाप्पा के पैरों को छू के दर्शन कर सकते हैं, और इसी लाइन को मन्नत वाली लाइन भी कहा जाता है। 9:30 बजे गाइस सामने येलो टैक्सी दिख रही है, वहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की थी और अभी तक हम लोग यहाँ पे ही पहुँचे हैं, मतलब समझ सकते हो इतना डिस्टेंस कवर करने में। अभी 10:45 का टाइम हो रहा है और इतना टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने में। पब्लिक तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे जोमेटो ऑर्डर मार रही थी, और ये बंदा आया है दोस्तों ऑर्डर लेके और ढूंढ रहा है कि किसने ऑर्डर किया था, उसके कस्टमर को देख रहा है वो बैठ के। गाइस सब लोग चील कर रहे हैं, कोई कोई लोग लूडो वूडो खेल रहे हैं, देख सकते हो। ये देखो भाई हेलो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे ग्रुप वाले सब भाई लोग बैठे हुए देख सकते हो। अरे सामने सुमित भैया और एक और भैया है, और ये अंकल भी हमारे साथ ही है। बाकी ये देखो भाई ये सब अहमदाबाद से आए हुए लोग हैं, और भी आगे बहुत सारे लोग हैं।
उम्मीद भैया को उनके रैंडमली कुछ फ्रेंड्स मिल गए क्योंकि वो हर साल आते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से। और गाइस हम लोग ऐसे ही आगे घूमने के लिए गए थे कि लाइन कहाँ तक है देखते हैं, बट लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों, उतना क्राउड है और सब लोग फुल एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है लालबाग का राजा का, वो 12 बजे खुलेगा, तब तक के लिए सब लोग यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। जैसे ही एंट्रेंस मतलब खुलेगा वैसे ही सब लोग अंदर एंटर होंगे और फिर धीरे धीरे लाइन चलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये मेरे आगे जो चश्मे वाली दीदी दिख रही है उनको सब चिल्ला रहे हैं कि आप लाइन में बीच में से घुस गए हो, और ऐसे सब मैटर्स तो यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब आम बात है, ये सब होते रहते हैं। और यहाँ पे अपने दोस्त लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी वीडियो निकाल रहा है तू। पब्लिक इस मामले में बहुत सतर्क थी कि लाइन में कोई बीच में ना घुस जाए, क्योंकि हम घंटों लगा के खड़े हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके बीच में घुस जाए। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं और अभी भी लाइन कंटिन्यू है। गाइज अभी सिंगल लाइन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से देख सकते हो, एंड अभी 3-4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे शायद। लाइन जब से सिंगल हुआ है तब से थोड़ा सुकून है देख सकते हो, वरना वहाँ पे क्राउड इतना था कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। हम लाइन में खड़े खड़े दोस्तों बापा के लाइव दर्शन कर रहे थे जो कि यूट्यूब पर लाइव था, तो वो देखते देखते लाइन में टाइम पास हो रहा था। भैया कॉफ़ी बेचने के लिए आए हैं तो हम लोग सुबह सुबह कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे, नींद उड़ाने के लिए, भाई नींद सबसे प्यारी है। मॉर्निंग के गाइस 6 बज चुके हैं और अभी भी हमारी लाइन कंटिन्यू है देख सकते हो, जा रहे हैं अभी मंदिर के लिए, एंड आई थिंक 2-3 घंटे और लगने वाले हैं शायद से। फाइनली गाइस सिक्योरिटी चेक हो चुका है और अब हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की ओर, मीन्स और आई थिंक 2 घंटे और लग सकते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अंदर से आप रास्ता देख सकते हो, ऐसे टाइप का जिग जैग पूरा आर्टिफिशियली मतलब बाम्बू वगैरह से बनाया हुआ है ये पूरा रूट, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो और लोग आसानी से मतलब जा पाए दर्शन करने के लिए। तो फटाफट हमारा डिस्टेंस कवर करते हैं और मिलते हैं आपको अगले पड़ाव पे। इस पॉइंट पे तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि ना मैं व्लॉग करने के मतलब लायक बचा था और ना खड़े रहने के, क्योंकि पैर और कमर की हालत तो मेरी ख़राब हो चुकी थी दोस्तों, और सच बोलूँ तो मेरा व्लॉग बनाने का मूड ही नहीं हो रहा था। और गाइस आप लोग राइट साइड में जो लाइन लगी हुई है उसमें लोगों की शक्लें देखो, देखो कैसे सब लोग थक चुके हैं दोस्तों, और उनकी शक्ल पर ये चीज़ दिख रही है। ये है गाइस मेन पांडाल, जहाँ से मतलब अभी थोड़ी देरी में हमारे दर्शन हो जाएंगे बापा के। बहुत सारे लोग तो भाई इस बीच में ही क्विट कर देते हैं और निकल जाते हैं लाइन छोड़ के, बट हिम्मत नहीं हारना चाहिए गाइस, एक बार आप लोग अगर लाइन में लगे हो तो दर्शन एंड तक करके ही जाना चाहिए। आखिरी 1.5 से 2 घंटे से गाइस हम लोग ऐसे रास्ते से ही लेफ्ट राइट कर रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां से मेन पांडाल की स्टार्टिंग होगी, मीन्स वहां पे भी हमें चलना ही है बट जो मेन एंट्रेंस होगा वो आ जाएगा। और गाइस यहां से व्यू देखो, कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, और मैं तो यहां पे डर गया था कि ऑलरेडी हम लोग 11 से 12 घंटे खड़े रहकर आए हैं ऑलरेडी, एंड यहां पे अभी और 2-3 घंटा लग सकता है हमें, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मेन पांडाल में अंदर एंटर होते ही आपको चाय और बिस्किट दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड गाइज इतने सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और सबके लिए चाय और बिस्किट की फैसिलिटी भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको गाइज अंदर रेस्टोरेंट्स और स्नैक्स की शॉप्स वगैरह भी मिल जाएगी, आपको देख सकते हो बहुत सारी। गाइज आपको यहाँ पे ऐसा कैरी बैग मिल जाएगा जिसमें आप अपने जूते उतार के रख सकते हो, तो गाइज सारे चप्पल हमने इसमें डाल दिए है, अब आगे इसे जमा करवा लेंगे और फिर चलेंगे दर्शन करने। कुछ ही पलों में गाइज हम लोग बापा के दर्शन करने वाले हैं दोस्तों, तो दिल थाम के बैठना और मैं बताता हूँ आपको अंदर क्या सीन होता है। एंड यहाँ का डेकोरेशन चेक करो गाइज, बहुत ही मस्त डेकोरेशन है हर तरफ। गाइज अभी यहाँ से सिर्फ 1/2 घंटा बचा है, फाइनली हम लोग आ गए इतने स्ट्रगल के बाद, बहुत वर्थिट होने वाला है भाई। हाँ भाई बहुत ज्यादा वर्थ होने वाला है। बाहर तो गाइज एकदम कड़क धूप आ चुकी है और एकदम डे हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग पूरा अंदर पांडाल में थे और नाइट भर हम लोग ने वॉक किया, तो अभी पता चल रहा है कि दिन हो गया है, वो दोस्तों देख सकते हो। टाइम गाइज 9:40 AM इन द मॉर्निंग एंड
एंड ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस 5 मिनट की देरी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो फाइनली फाइनली। और गाइस एक चीज और बता दूं आपको कि इस बार का टोटली पूरा अरेंजमेंट लालबाग का राजा का अंबानी फैमिली द्वारा किया गया है, क्योंकि राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी रिसेंटली हुई है, जिसमें अनंत अंबानी ने 20 केजी का बापा का मुकुट भेंट किया है और जिसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। और दोस्तों अंदर आते ही आप सिर्फ बापा को देखते ही रह जाएंगे, और एक बार उनसे नज़र मिलाते ही आपकी नज़र हटेगी नहीं, और आप तो ये भी भूल जाओगे कि आप क्या मन्नत मांगने वाले थे। उतनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है दोस्तों बापा की। 14 से 15 घंटा चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको 1 मिनट रुकने की परमिशन है। दर्शन होते ही, पैर को टच होते ही आपको वहाँ से निकाल देंगे, और फिर वहाँ पे हम प्रसाद ले लेते हैं जो कि मंदिर की तरफ से ही था वो भी। फाइनली गाइस 14 घंटे के वेट के बाद 1 मिनट के लिए हमें दर्शन करने को मिला, बट वो 1 मिनट ऐसा था कि जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये लाइन जो देख रहे हो आप लोग, ये है मुख दर्शन की लाइन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको मतलब सामने से दर्शन मिल जाएंगे बापा के, बट पास में जाने नहीं मिलेगा। और ये लाइन लगभग 5 से 6 घंटों में दर्शन के लिए मतलब अंदर पहुंच जाती है। एंड गाइस ये देखो, मेन एंट्रेंस पे गए थे हम लोग यहाँ से निकलते वक्त, और ये बहुत ही सुंदर रहता है, और हर साल इसका थीम कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। पैर और कमर की तो हालत खराब हो चुकी है मेरी, और फोन में चार्ज भी बहुत कम है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।